गुड मॉर्निंग स्टूडेंट डे स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर फाइव अ पोएम। पोएम नेम इज अबू बिन अधिम। स्टूडेंट पोएम को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि अबू बिन अधिम कौन थे। स्टूडेंट इनका पूरा नाम अबू बिन इब्राहिम था। इस कविता को लिखा है लिहंट ने। लिहंट ने अबू बिन अधिम के जीवन के बारे में, उनके विश्वास कॉन्फिडेंस के बारे में बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट अबू बिन अधिम एक सूफी संत थे जिनका लोगों से काफ़ी लगाव था। वो ईश्वर से ज़्यादा ईश्वर के बनाए हुए चीज़ों से लव करते थे, प्यार करते थे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कविता। अबू बिन अधिम मे हिज ट्राइब इंक्रीज अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सा विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक लिली इन ब्लूम एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। स्टूडेंट अबू बिन अधिम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अबू बिन अधिम हमेशा अपनी ट्राइब मीन्स होता है छोटी जात, जनजाति को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। वो वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, रात के समय वो सो रहे थे, उस समय अचानक उनकी नींद खुलती है। एंसा विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, और अपने रूम में मून लाइट को देखते हैं। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लू, उनका रूम सूर्य के चांद के प्रकाश से पूरा भर गया था और मून लाइट ऐसे लग रहा था जैसे कि उनके कमरे में लिली के फूल उगाए हों, मीन्स इतना चमकीला मून लाइट लग रहा था। एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और अबू बिन अधिम ने देखा उसी मून लाइट की छाँव में, कमरे में एक एंजल गोल्ड ऑफ बुक पर, मीन्स स्वर्ण पुस्तक पर कुछ लिख रही थी। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अधिम बोल्ड। स्टूडेंट सपोज कीजिए अगर आप रात को सो रहे हों और अचानक आप कोई सपना देखते हों और उड़ जाते हों तो शायद आपको डर लग जाए, लेकिन यहाँ पर अबू बिन अधिम डरे नहीं। एक्सीडिंग पीस मीन्स शांति को देखते हुए, एक्सीडिंग मीन्स होता है बढ़ावा देना, बढ़ना। हैड मेड देम बिन अधिम बोल्ड, उनमें और अधिक साहस आ गई। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और जो रूम में प्रेजेंट थी, कहने का मतलब एंजल जो रूम में थी कुछ लिख रही थी गोल्ड बुक ऑफ गोल्ड पर, तो उससे पूछा व्हाट राइटेस्ट दाओ, आप क्या लिख रही हो। द विजन रेज इट हेड, विजन मीन्स एंजल, एंजल ने अपना हेड सिर उठाया। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और अबू बिन अधिम की तरफ देखते हुए बड़ी मधुरता के साथ एंसवर्ड उत्तर दिया द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उन सब का नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं। एंड इज माइन वन सेड अबू, इतना सुनने के बाद अबू ने पूछा और मेरा नाम भी लिख रही हो क्या। ने
नॉट सो, रिप्लाई द एंजल। एंजल ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, नहीं, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। अबू स्पोक मोर लो बट चेयरली स्टिल। अबू मोर लो मीन्स पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक, धीमी आवाज में, बट चेयरली प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिए और कहा, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन। आई प्रे दी स्टूडेंट, दी मीन्स यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, राइट एज मी एज वन हु लव हिज फेलो मैन, मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिखिए जो लोगों से प्यार करते हैं। उनकी बातें सुन करके द एंजल रोट एंड वेनिस्ट, उनकी बातों को नोट किया और गायब हो गई। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, इट केम अगेन विथ अ ग्रेट अवेकिंग लाइट, एक बार फिर से रूम में उनके प्रकाश होता है और ऊपर ही आती है। एंड सो द नेम होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उन लोगों का नाम बताती है जिसमें गॉड ने लोगों के नेम मेंशन किए थे। अबू ने उस लिस्ट को देखा, एंड लो बिन अडम नेम लेड ऑल द रेस्ट, और देखा कि बिन अडम का नाम लीडिंग पॉइंट पर था, उसके बाद बाकी लोगों का नाम था। कहने का मतलब उस लिस्ट में अबू बिन अदम का नाम सबसे ऊपर था। स्टूडेंट, इस पोयम से हमको यह सीख मिलती है, यह प्रेरणा मिलता है, यह ज्ञान मिलता है कि ईश्वर भी, गॉड भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, उन्हीं लोगों से लव करते हैं जो लोग लोगों से प्यार करते हैं, आम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, आम जनता से लगाव रखते हैं। स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।